राजस्थान में 33 में से 12 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी कोविड-19 का मामला सामने नहीं आया। इन जिलों में जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़ और भरतपुर शामिल है। हालांकि इसी दौरान प्रदेश में कोविड से 4 मौतों का आंकड़ा प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा दिया गया है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कुल 162 नए कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 20 मामले प्रदेश की राजधानी जयपुर से है। कुल 264 कोरोना मरीज इस दौरान रिकवर भी हुए। राजस्थान में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले गिरकर 1,733 रह गए हैं। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 8,915 लोगों की मौत कोविड की वजह से हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में सोमवार को वैक्सीन नहीं मिलेगी। राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में सोमवार को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की कम सप्लाई के कारण प्रदेश में बार बार वैक्सीन की कमी हो रही है, इसी कारण कल अधिकांश जिलों में वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा। गहलोत ने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश को वैक्सीन सप्लाई बढ़ाए ताकि बार बार वैक्सीनेशन का काम ना रुके। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।